हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको तुलसी के फ़ायदे बताने वाली हूं। तुलसी के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और अगर हम तुलसी को यूज़ करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा जो है वो दे सकती है, साथ ही साथ किन लोगों को तुलसी का सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए और अगर आप तुलसी का सेवन करते हैं तो किस तरीके से करना चाहिए। चलिए आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बता देती हूँ। जो तुलसी होती है वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर देती है, साथ ही साथ जो हमारे फेफड़े होते हैं वो मजबूत रहते हैं अगर हम तुलसी का सेवन करते हैं तो। फेफड़े मजबूत रहेंगे, इससे कोल्ड कफ या वायरल फीवर जैसी समस्या जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। साथ ही साथ अगर हम तुलसी का सेवन करते हैं, तुलसी को खाते हैं तो भूख जो है, अगर आपकी भूख मर गई है, भूख नहीं लग रही है, तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपकी भूख जो है वो खुल जाती है, भूख की समस्या जो है वो समाप्त हो जाती है। बहुत सारे लोगों को खाना खाते हैं तो उनको लगता है कि पेट फूला फूला लग रहा है, खाना हजम ही नहीं हो रहा है और कई दफ़ा एसिडिटी गैस जो है वो बनने लगती है। ऐसे लोगों को भी तुलसी का सेवन अवश्य रूप से करना चाहिए। ऐसे लोग अगर तुलसी का सेवन करते हैं तो उनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा जो है वो देखने को मिलता है। खाना अगर नहीं पचता है तो पचना शुरू हो जाता है, फिर पेट जैसे फूल रहा था, एसिडिटी गैस बन रही थी, वो भी समस्या जो है वो दूर हो जाती है। तो लोगों को, जो लोग परेशान हैं ऐसी सारी समस्याओं से, उनको तुलसी जो है वो अवश्य रूप से यूज करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बुरे बैक्टीरिया हैं तो उनको भी तुलसी जो है वो निकाल देती है और आपका जो शरीर है वो एकदम से स्वस्थ हो जाता है, हेल्थी हो जाता है। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आए हैं या आपका जो कलर है वो डल हो गया है, आप छोटे छोटे काम करते हैं उसमें थक जाते हैं, तो अगर आप तुलसी का सेवन करते हैं तो ये आपकी समस्या जो है वो दूर हो जाती है। चाहे पिंपल्स हो गए, डलनेस हो गई, आपकी स्किन जो है वो काली पड़ गई, वो भी सही हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं तो ये भी समस्या जो है वो दूर हो जाती है। अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हैं ना, तो आप तुलसी का सेवन करते हैं तो आपके पेट के जो कीड़े हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तुलसी जो है वो पांच तरीके की पाई जाती है, जो राम तुलसी हैं, श्याम तुलसी हैं, नींबू तुलसी हैं, वन तुलसी हैं, विष्णु तुलसी हैं। इस तरीके से कुल मिला के पाँच जो तुलसी हैं वो पाई जाती हैं और ये जितनी भी तुलसियां हैं इनके सब के अलग अलग फ़ायदे जो हैं वो आपके शरीर में देखने को मिलते हैं। तो जो लोग तुलसी का सेवन नहीं कर रहे हैं उनको तुलसी का सेवन जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप तुलसी का सेवन कर रहे हैं या तुलसी ड्रॉप का सेवन कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर कोई आप दवा ले रहे हैं तो अगर आप तुलसी ड्रॉप का सेवन करते हैं खास करके, तो जो भी आप दवा ले रहे हैं 3 से 4 घंटे के अंतर कम से कम होना चाहिए तब आप ड्रॉप जो है वो लें। नहीं तो अगर आप तुलसी की पत्ती जो है वही खा रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी से, जब भी आपका मन करता है, दिन में 2 से 3 बार आप तुलसी का सेवन जो है वो कर सकते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा जो है वो देने वाली है। अगर आपके बच्चों को या आपको, कई बार क्या होता है बहुत सारे लोगों को कोई चीज़ें जो हैं सूट नहीं करती हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ उदाहरण के तौर पर, बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी गर्मी हुई वायरल फीवर, सर्दी हुई तो उनको खांसी जुकाम कफ हो गया, बरसात हो गई तो उनको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया। ऐसे लोगों को तुलसी का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत कर देता है, जिससे कफ, कोल्ड या वायरल फीवर जैसी समस्या जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं, आपके शरीर में आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इसलिए आपको तुलसी का सेवन जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। तो अगर आप तुलसी का सेवन नहीं कर रहे थे तो आज से ही शुरू कर दीजिए और अपनी जो भी समस्या है उनको दूर कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।